नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। मंगलवार को हमने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठंडी खुई में और लखनपुर में टोल चार्जिंग को लेकर एक खबर दिखाई थी और ये कहा था कि इन दोनों टोल प्लाजा पर जो टोल लिया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है हीरा नगर में जो पुल टूटा हुआ है उसकी वजह से वो पूरी तरह से हाईवे जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा सड़क पर और भी काम लगा है, तो कहीं ना कहीं जो पुल टूटा है और जो बीआरओ की ओल्ड सांबा कठुआ रोड इस समय इस्तेमाल में है, तो कम्यूटर जो कि गाड़ी वाले हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ठंडी खुई में और लखनपुर में टोल वसूलना जो है वो जायज नहीं है। तो इस खबर पर अब बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि दोनों ही टोल प्लाजों पर जो टोल टैक्स वसूला जा रहा था अब उसमें ज्यादा टोल नहीं लिया जाएगा, यानी कि सूटेबल कटेलमेंट जो है वो इसमें की जाएगी, दाम जो है वो अब उतने नहीं चार्ज किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की कि जो टोल टैक्स इस समय आप दे रहे थे, क्योंकि ठंडी खुई की बात करें तो वहां पर शायद 125 रुपए है, तो अब शायद आपको 125 रुपए ना देने पड़े, यानी कि आप पूरा सड़क का हाईवे का स्ट्रक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे लेकिन पैसे आपसे पूरे लिए जा रहे, तो अब आपसे पूरी वसूली टोल की नहीं होगी, टोल में आपको छूट दी जाएगी, आपको रिबेट मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है और ये रिबेट केवल ठंडी खुई में नहीं है, आपको लखनपुर में अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी NH 44 पर आपको जो है वो इस टोल टैक्स में छूट मिलने वाली है। जो बड़े पैमाने पर कटौती टोल में होना कहीं ना कहीं जरूरी था, क्योंकि अगर आप हाईवे का पूरा स्ट्रेच इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टोल आपसे पूरा क्यों लिया जाए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लगातार ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि तमाम कम्यूटर्स के लिए ये बहुत जरूरी सूचना है कि जम्मू कठुआ पठानकोट रूट पर जो कि पब्लिक की डिमांड थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को यह बोला जाए कि रिलैक्सेशन जो है वो टोल टैक्स में दी जाए लखनपुर और ठंडी खुई में, क्योंकि हीरा नगर में जो तरना नाले के ऊपर जो पुल है वो पुल इस समय टूटा हुआ है और इसी पुल की वजह से एक सांबा कठुआ ओल्ड रोड जो है जो कि बीआरओ की है वो इस समय इस्तेमाल में लाई जा रही है। और कहीं ना कहीं हमने वहां पर जब रिपोर्ट की हमने देखा कि सड़क की स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं थी और जो गाड़ियां क्योंकि रोड का चौड़ीकरण वहां पर हो रहा है, उसके अलावा फ्लाईओवर का काम भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये तीसरी एडिशन यह हुआ था कि मुख्य ब्रिज अगर एक पुल का टूट पुल जो है वो टूट जाता है तो उसके बाद एक ऑल्टरनेट जो ओल्ड रोड है उसका इस्तेमाल हो रहा था पीआरओ की। तो लोगों की ये डिमांड जायज थी और हमने ये मुद्दा उस समय उठाया था कि आखिर ठंडी खुई में लखनपुर में जो टोल वसूला जा रहा है वो पूरी तरह से जायज नहीं है, क्योंकि हाईवे जो है वो लोगों को उतना उपयुक्त नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कम्यूटर्स हैं जो लोग हाईवे पर रोज ट्रेवल करते हैं और क्योंकि जो टोल होता है वो इसीलिए होता है कि लोगों को एक अच्छी सड़क मिले, अच्छी सुविधा मिले, और जिस वक्त तक हाईवे कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक टोल की वसूली कहीं पर भी शुरू नहीं होती है। तो ऐसे में ये जम्मू पठानकोट हाईवे का जो स्ट्रेच था ये अभी इनकम्प्लीट ही है, क्योंकि पुल इस पर टूटा हुआ है और सड़क का निर्माण चल रहा है और ऐसे में मुख्यतः हाईवे का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ओल्ड सांबा कठुआ रोड जो है वो इस्तेमाल में है बीआरओ की, तो फिर टोल की पूरी वसूली जायज नहीं थी। तो इसीलिए अब टोल में छूट दी जाएगी, कटेलमेंट होगी, एक जेन्युइन कटेलमेंट होगी, सूटेबल कटेलमेंट होगी, यानी कि जो पहले आप टोल दे रहे थे अगर 125 रुपए था तो अब इतना नहीं देना पड़ेगा, हो सकता है 80 रुपए हो या वन साइड जर्नी हो या फिर उससे भी कम हो, लेकिन सूटेबल कटेलमेंट आपके टोल में की जाएगी, टोल में आपको छूट दी जाएगी। ये एक मैं कहूंगा कि सकारात्मक का प्रयास है, सकारात्मक पहल है सरकार की, और ये भी पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि येट अनदर इंडिकेटर ऑफ द सेंसिटिविटी इन गवर्नेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि लोगों की जो जायज मांग थी उसे समझा और NHAI के सामने उसे रखा और उसे लागू भी कहीं ना कहीं करवाने में कामयाबी पाई। और इससे पहले भी एक दो बार इसी प्रकार के जो लोगों के डिमांड थे, जो किसान अरोड़िया में जम्मू मेल का स्टॉपेज की डिमांड थी, उसे भी एक ही दिन के अंदर जो था वो मान लिया गया था, लोगों की वो डिमांड भी पूरी हुई थी। और उस समय भी उन्होंने कहा था कि मोर सेंसिटिव गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस समय काम कर रही है। और अब ये जो एक स्टेप लिया गया कि टोल
ठंडी हुई और लखनपुर में अब टोल की पूरी वसूली आपसे नहीं होगी, जो जायज टोल होगा वही लिया जाएगा। यानी कि टोल में अब सुटेबल कटेलमेंट, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि जायज टोल आपसे लिया जाएगा, नाजायज टोल की वसूली नहीं होगी। क्योंकि अगर आप हाईवे का पूरा स्ट्रेच नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो फिर आपसे पूरे टोल की वसूली आपसे नहीं होगी। नमस्कार।